Let us start the discussion of test, your revision test one. First question was, Chandrasekhar limit is the unit of length, time, mass, area. बताओ किसका यूनिट है? मास. मास कल ही अभी हमने रिवाइज किया है, चंद्रशेखर लिमिट, दैट इज द यूनिट ऑफ मास. इतना तो हम बता ही सकते हैं, वैल्यू नहीं पूछी हुई. चंद्रशेखर लिमिट इज 1.4 टाइम्स द मास ऑफ सन, सो दिस इज द यूनिट ऑफ मास. Second, to find the height of a tower tree on the other side of a river, the method used is parallax, echo, radar, triangulation. Triangulation method. Inaccessible object wala triangulation method. The dimensions of length in energy density are -1, 2, 3, 1. Minus one. Kaise? एनर्जी डेंसिटी क्या होती है आपका? ठीक है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. देखो, एनर्जी डेंसिटी एनर्जी पर यूनिट लेंथ नहीं होती है. एनर्जी डेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. पर यूनिट वॉल्यूम तो m1 L2 T-2 over L3, तो ये बन जाएगा m1 L-1 T-2. तो लेंथ का डायमेंशन इसमें क्या है? -1. ऐसे तुक्का ही मार दिया था, ओवर लेंथ करके तो नहीं आता. तो ये आ गया -1. द फोर्थ क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ अ रॉड मेजर्ड इन एन एक्सपेरिमेंट वॉज फाउंड टू बी 2.48, 2.46, 2.50, 2.49, 2.48 meter. इसमें कोई डाउट है किसी को? कर दूं यहाँ पे कि ठीक है? पहले देखो मीन निकालना पड़ेगा, फिर डेल्टाज निकालने पड़ेंगे एब्सोल्यूट, फिर डेल्टा एक्स बार, फिर डेल्टा एक्स बार ओवर एक्स बार, फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे. अगर किसी को डाउट है तो बता दो. नो डाउट? चलो ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5, अ बॉडी कवर्स 10 मीटर इन फोर्थ सेकेंड एंड 15 मीटर इन सिक्स्थ सेकेंड ऑफ इट्स यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन द नेक्स्ट 3 सेकेंड्स विल बी 60, 40, 80, 30 मीटर. ठीक है, तो कितना आ रहा था इसका आंसर? डिस्टेंस ट्रेवल इन एन सेकंड, दो इक्वेशंस बनेंगी. ठीक है, इक्वेशंस कौन सी बनेंगी वो देख लो. क्या आंसर आया इसका? 16. फोर्थ सेकंड में जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो है 10 और सिक्स्थ सेकंड में दिया हुआ है 15. ठीक है, तो यहां से दो इक्वेशन बन जाएंगी, 10 इक्वल टू u प्लस कितना a बाय 2, 7 a बाय 2 और 15 इज इक्वल टू u प्लस 11 a बाय 2. ये दो इक्वेशन से पहले u और a निकाल लो. कैलकुलेट u एंड a फ्रॉम हियर, u आ जाएगा और a आ जाएगा. और अब निकालना है डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन नेक्स्ट 3 सेकंड्स. नेक्स्ट 3 सेकंड मतलब 6 सेकंड के नेक्स्ट 3 सेकंड, तो वो कौन से हैं? 9 सेकंड में से 6 सेकंड का डिस्टेंस माइनस कर दो, यही होगा. ठीक है, तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज दिस मच. ये आ गया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर 81 ए माइनस 6 यू प्लस 36 ए बाय 2 जो आ गया 18. तो यहां से आपका 3u प्लस
45/2 a, ये आ जाएगा। यहाँ पे u और a पुट कर दो जो आपने निकाला हुआ है, वो सब्स्टिट्यूट कर दो, आपका रिक्वायर्ड डिस्टेंस आ गया। करना सॉल्व करो, पहले इनको सॉल्व करो, u कितना है a कितना है बताइए, किसका ठीक था वो बता सकते हैं आंसर, किसका करेक्ट था। आई डोंट नो, आई डोंट हैव आंसर। ऑप्शंस हैं 60 तो है ऑप्शन में, ऑप्शन है 60 मीटर, 40 मीटर, 80 मीटर, 30 मीटर। ए ए चलो अब इसमें पुट करो जितना भी आ रहा है यू और ए, यहाँ पुट करिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है 60 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6, टू फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड एक्ट ऑन अ पार्टिकल, ठीक है, टू फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड एक्ट ऑन अ पार्टिकल व्हेन स्क्वायर ऑफ देयर रिजल्टेंट इज इक्वल टू 3 times देयर प्रोडक्ट, एंगल बिटवीन देम इन डिग्रीज इज व्हाट, कितना आ रहा था ये आंसर। टू फोर्सेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड, ठीक है, स्क्वायर ऑफ देयर रिजल्टेंट इज 3 times देयर प्रोडक्ट, तो डू एज दे आर सेइंग। रिजल्टेंट का जो स्क्वायर है, वेक्टर्स इक्वल है ना, दोनों वेक्टर्स इक्वल है तो ए और बी को इक्वल ले लिया, तो स्क्वायर ऑफ देयर रिजल्टेंट इज इक्वल टू 3 times देयर प्रोडक्ट, तो ये आ गया 2a² (60 degrees). सो थीटा इज हाउ मच, 60 degrees। Theta is 60 degree then. Seventh, if magnitude of sum of two forces is equal to magnitude of their difference, then angle between them in degrees is what? Magnitude of sum of two forces is equal to magnitude of their difference. Option 0 degree, 90 degree, 45 degree and 180 degree. 90 के 45 किसका करेक्ट था? नाइन्टी डिग्री। कैसे किया आपने? हाँ बस उसको सॉल्व कर लेते, 90 आएगा। स्क्वायर करना है दोनों साइड्स को, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स और डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा बीच में। a dot b 0 कब होता है? when theta is 90 degree, when the vectors are perpendicular to each other, then their dot product is 0.
तो डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट भी इसी तरह का है, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दैट डॉट प्रोडक्ट, देन एंगल बिटवीन देम इन डिग्रीज इज, ये निकालना है। हाँ? अच्छा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। हाँ, तो साइन ओवर कॉस 45 डिग्री, हाँ, और थीटा आ गया 45 डिग्री, सो थीटा इज 45 डिग्री। अब आ जाता है केस स्टडी। अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, इट इज हैविंग वेलोसिटी यू इनिशियली, इफ एयर रेजिस्टेंस इज इग्नोर्ड इट इज फाउंड टू फॉलो अ पर्टिकुलर पाथ बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, in order to study it carefully initial velocity is resolved into components and then various results are analyzed, wahi hum jo banate hain, kuch bhi diya nahi hua। question number 9 hai, the horizontal range is found to be same when it is projected at which of the following pairs of angles with the horizontal, kaun se do angle hain jinke liye horizontal range same rehti hai, theta and 90 minus theta, तो ये थीटा है 90 माइनस थीटा कौन सा आ जाना था आपका 25 एंड 65 45 डिग्री, ए पार्ट है 15 डिग्री एंड 45 डिग्री। मैम तो कलर शो कर रहा है, नहीं नहीं एक मिनट, 90 माइनस 15 45 थोड़ी होता है, 65 वाला आएगा, हाँ ये आएगा 25 डिग्री एंड 65 डिग्री, इनका सम करके देख लो ना, जिनका सम 90 है वो आएगा आपका, तो बी पार्ट है इसका सम 90 डिग्री है, ठीक है, 45 और 15 तो 60 बन गया, वो नहीं आएगा ये आएगा। 10th क्वेश्चन है, एट विच एंगल विद द वर्टिकल वन कैन एक्सपेक्ट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, कौन से एंगल पे मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज होगी, वर्टिकल हो हॉरिजॉन्टल हो वो सेम ही होता है, 45 डिग्री पे ही हॉरिजॉन्टल रेंज हमेशा मैक्सिमम होती है, और मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर बाय जी, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला है यू स्क्वायर बाय जी। 11th है, a boy stands at 78.4 meter away from a building and throws a ball which just enters a window 39.2 meter above the ground, the velocity of projection of the ball is how much, matlab ye unhone aapko maximum height di hui hai, maximum height attained di hui hai 39.2 meter, kyunki wo window mein se just pass kar rahi hai, wo kehte hain तो इसका मतलब वो वर्टिकल हाइट जो है वो 39.2 है, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लगा दो बस। और बॉय स्टैंड्स एट 78.4 मीटर अवे, ये जो 78.4 है ये हॉरिजॉन्टल रेंज का हाफ होगा, जिस डिस्टेंस पे वो खड़ा है ना, तो चलो पहले अकेला एच का फॉर्मूला लगा के देखते हैं इससे क्या होता है, उसी से आ ही जाएगा। ठीक है, ये दिया हुआ है आपको 39.2, यू निकालना है, थीटा भी नहीं पता आपको कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, ठीक है, चलो जी को 10 ले लेते हैं। अब ये हाफ दिया हुआ है, जो आपको 39.2 दिया हुआ है ये आर बाय टू दिया हुआ है, तो आर कितना हो गया, ये तो 78.4, हाँ
नहीं नहीं एक मिनट, 78.2, ये उसका डबल हो गया। ठीक है, इसका फॉर्मूला लगाते हैं, यू स्क्वेयर साइन टू थीटा बाय जी। अब इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो। ठीक है, पहले एंगल आ जाएगा फिर यू आ जाएगा। ठीक है, या फिर एक ऑप्शन ये, हाँ चलो ऐसे ही कर लो, डिवाइड करो पहले। इसको सॉल्व करो, ये कितना है, और फिर यहां से पहले थीटा आएगा, उसको यहाँ पे पुट करोगे यहाँ पे, फिर यू आएगा। तो 39.2 into 20 u स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री, ये आ गया यू स्क्वायर बाय 1/√2 का स्क्वायर, और ये आपकी जीरो कट गई, 7784 हो गया। सो यू स्क्वायर इज दिस। अंडर रूट 1568 निकाल लो, ये आपका यू है। तो अंडर रूट 1568 कितना है, करिए सॉल्व। आई थिंक 39.2 ही आएगा ये, चेक इट आउट किए कितना आ रहा है, 39.2 आ रहा है, क्योंकि 40 का जो स्क्वायर है 40 स्क्वायर वो 1600 होता है, तो ये आपका 39.2 आएगा, बी पार्ट आपका आंसर। तो बच्चे सिंपल ही तो दिया हुआ, विजुअलाइज किया करो ना क्या है, क्यों देखो ना, आप खुद देखो कि ये बॉय खड़ा है, ये बिल्डिंग है, ठीक है, ये उसकी विंडो है। अब वो यहाँ 78.4 से खड़ा है, तो वो कहते हैं कि जस्ट उसको छू के वो निकल जाते, उसकी विंडो के अंदर चली जाती, तो ये तो उसका मैक्सिमम हाइट अटेंड हुआ ना ये वाला, और ये हाफ अभी रास्ता पड़ा भी तो है ना, तो ये R/2 है। इसमें कोई मुश्किल नहीं था विजुअलाइज करना, आप कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12th, अ बॉल इज किक्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल, थीटा दिया हुआ है, ए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब यू साइन थीटा, क्योंकि यहां पे थीटा वर्टिकल के, तो यू साइन थीटा इक्वल टू 20, देन फाइंड इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज। तो ये तो बहुत सिंपल है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी, अगेन आपको सॉल्व करना है, चलो करते हैं। U आ गया आपका 40 मीटर पर सेकेंड, रेंज निकालनी है। अब G चलो 10 ले लेते हैं, देखते हैं।
20 मीटर आ रही है, हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी आ रही है 20 मीटर। हाँ आपका आंसर तो कुछ और ही आ रहा है, क्या निकालना था? ये मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है। वो कह रहे हैं एंगल थीटा विद वर्टिकल दिया है, तो फिर अब आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कॉस थीटा नहीं यू साइन थीटा होगा ना, यही तो ध्यान रखना है। पर क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, रेंज निकालने को कही है और दिया मीटर पर सेकंड में। इसीलिए वो ऑप्शंस में आंसर नहीं है ना यू, पर यू भी नहीं हो सकता, हाइट नहीं रेंज कही है ये। हॉरिजॉन्टल रेंज इज मैम रेंज का तो लगाया ही। ओह मैं रेंज निकालनी थी ना, रेंज निकालनी है हमने, हाइट निकालनी, पर फिर भी यूनिट गलत दिया हुआ है ना। फोर्टी इंटू फोर्टी साइन सिक्सटी हो गया रूट थ्री बाय टू, और जी सपोज हम टेन ले लेते हैं तो एटी रूट थ्री। अब इसको सॉल्व कर लो कितना आ रहा है, एटी इंटू वन पॉइंट सेवन। चलो यू फोर्टी कैसे लिया जाएगा ना यहाँ से। हाँ यू फोर्टी कैसे लिया, फोर्टी कैसे लिया, ये U40 नहीं आया हमारा, U40 नहीं आ गया, वो पुट किया ना U40 into 40 130.8 136.8 ये आपका आंसर। आपके आंसर कंफ्यूजिंग दिया हुआ है 138.6 136.8, तो ये आपका 136.8 बी पार्ट आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट थर्टींथ है, एट द हाईएस्ट पॉइंट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज यू बाय टू, टू यू, जीरो या यू बाय फोर। जीरो, हाईएस्ट पॉइंट का वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होता है। आगे असर्शन रीजन है, फोर्टींथ देखिए असर्शन, रॉकेट इन फ्लाइट इज नॉट एन इलस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, रीजन रॉकेट टेक्स फ्लाइट ड्यू टू कंबशन ऑफ फ्यूल एंड डज नॉट मूव अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन। हाँ दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है और यस वो उसका रीजन भी है, ये आएगा। 15th क्वेश्चन असर्शन, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.005 इज 1 एंड इन 0.500 इज 3। ठीक है ये तो ठीक है, रीजन दिस इज बिकॉज जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट, ये रीजन गलत है तो सी आएगा। ये हमेशा थोड़ी होता है, वो तो रूल पे डिपेंड करता है कि जीरो कहाँ पे है, उसकी लोकेशन पे डिपेंड करता है कि वो डेसिमल के लेफ्ट पे है कि राइट पे है, नॉन जीरो के लेफ्ट के पे राइट पे है। सिर्फ जीरो देख के हम उसको, ये नहीं कि हम उसको इग्नोर कर देंगे। 16th है असर्शन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड हैज डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी। गलत, डिस्टेंस तो डिस्टेंस है, उसकी डायमेंशन तो मीटर ही रहेगी, मतलब कि एम वन एल वन रहेगी। रीजन बिकॉज इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन पर्टिकुलर सेकेंड, तो रीजन ठीक है, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एन सेकेंड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन पर्टिकुलर सेकेंड, रीजन करेक्ट है। तो असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू, आपका डी पार्ट है, ये डी पार्ट आएगा आंसर लास्ट। 17th है assertion, light year and wavelength both measure distance. ठीक है, light year भी distance है, wavelength भी distance का। नहीं, एक मिनट देख लेते हैं। हाँ, D है both false. वो options में नहीं है? फिर क्या किया आपने? फायदा
पर एक कायदा ये भी होता है कि इंस्ट्रक्शंस को रीड कर लेना चाहिए जो दिया हुआ है उस टाइम पे, जो उस टाइम पे दिया हुआ है उसके हिसाब से आंसर दे देना चाहिए। क्वेश्चन असर्शन है, डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड हैज डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। डिस्टेंस की डायमेंशन वेलोसिटी वाली थोड़ी हो सकती, तो ये गलत है। और रीजन है बिकॉज इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन पर्टिकुलर सेकंड। डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड एक पर्टिकुलर सेकंड का डिस्टेंस होता है, वो तो ठीक है। तो असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है, तो ये आपका डी पार्ट है इसका आंसर। 17th है, assertion, light year and wavelength both measure distance, ये correct है। Reason both have dimension of time, ये गलत है। दोनों एक तरफ कह रहे हैं कि वो distance है, दूसरी तरफ कह रहे हैं dimension time वाली है। तो assertion is true and reason is false, C part is correct। 18th है, assertion, when a body is projected at an angle of 45 degree, its range is maximum। हाँ, 45 degree पे range maximum होती है। रीजन है, फॉर मैक्सिमम रेंज वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा शुड बी इक्वल टू 1। ये है तो सही है, पर दोनों का क्या रिलेशन है ये उसको एक्सप्लेन कर रहा है। हाँ, 2 थीटा जो है वो 1 होना चाहिए, तो उससे फिर हमारी रेंज मैक्सिमम आ जाती है। ए 19th, नॉलेज बेस्ड है, अ बॉडी कैन नॉट हैव कॉन्स्टेंट स्पीड वेरिंग वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड कॉन्स्टेंट स्पीड, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी एंड वेरिंग स्पीड। हाँ, सी है। मतलब ये नहीं हो सकता कि आपकी स्पीड वेरी कर रही है, मैग्नीट्यूड पहले ही आपका सेम नहीं है और वेलोसिटी कॉन्स्टेंट तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ही तो हम स्पीड कहते हैं। तो इफ स्पीड इज नॉट यूनिफॉर्म तो वेलोसिटी कैन नॉट बी यूनिफॉर्म, तो सी आएगा इसका। 20th क्वेश्चन है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ orthogonal unit vectors along y axis and z axis, मतलब j cap dot k cap is equal to 1 square of either vector or 0 है। i dot j पूछ रहे हैं ना, तो magnitude of i cap, magnitude of j cap, cos of angle between them, ठीक है। हाँ, एंगल आई और जे में है 90, कॉस 90 है 0, तो इसलिए ये आ जाएगा 0, इसका आंसर है 0। हो गया टेस्ट, जिसमें हमारा आंसर 80 अंडर रूट। मैम ये जिसमें हमने रेंज निकाली है ये अभी ब्लैक बोर्ड पे है मैम, जिसका आंसर 80 अंडर रूट 3 आ रहा है, इसका 136.8 आंसर हमारे हिसाब से करेक्ट है, बट गूगल फॉर्म पे 138 वाला आंसर सही किया हुआ है, 136 वाला गलत है। आप इसको पहले सॉल्व किया अच्छी तरह से, आप ऐसे करो पूरी वैल्यू लेके करो मल्टीप्लाई, 80 × 1.732 से करो, ये करो फिर कितना आता है। शी सेइंग कि 138 वाला आंसर करेक्ट है, एक मिनट चेक कर लो, 6 ही आ रहा है। यही कह रहे हैं, 138.6 यही आंसर है, 138.6 यही आ रहा है यहाँ से रिद्धि। यस मैम, यस मैम। हाँ ठीक है, चलो हो गया टेस्ट क्लियर, और कोई डाउट इसमें? तो इट वाज अ लॉन्ग टेस्ट ऑफ 20 मार्क्स।